तेजस्वी यादव को अपने गृहवान बिठा कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है तब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, सच समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। पहले की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आरएलडी शासनकाल में जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद सरकार में जब थे तो अपराध बढ़ रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिहार को जंगल राज के नाम जाना जाता था। चोरी की धारा 426 को अब 316 कहेंगे, हत्या की धारा 302 को अब 103 कहा जाएगा, दुष्कर्म के मामले में धारा 376 को धारा 363 कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं जो थी अब मात्र 358 धाराएं होगी। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ साफ या बिहार सरकार पर सुशासन बाबू पर आरोप लगाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार और एनडीए से सरकार नहीं चल रही है। बिहार में हर तरफ लोग शासन और प्रशासन के इकबाल से पूरी तरह निडर हैं, लोग कहीं एक दूसरे को मार दे रहे हैं, कुछ भी करते रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना बिसाता, जिस पर मंत्री प्रेम कुमार ने जबरदस्त रूप से पलटवार किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी को याद करना चाहिए वो दौर जब मुख्यमंत्री आवास में ही अपराधियों के साथ मिली बैठक साठ कठुआ करती थी। जरा सुनिए, इसके अलावा भी प्रेम कुमार और क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पर। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। देश भर में आज से 3 नए अपराधी कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफ़ी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से जो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त तीनों जो मतलब जो नियम अधिनियम जा करके हैं और अब नए कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। अब प्राथमिकी देश में किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन करना संभव होगा। चोरी की धारा 426 को अब 316 कहेंगे, हत्या की धारा 302 को अब 103 कहा जाएगा, दुष्कर्म के मामले में धारा 376 को धारा 363 कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं जो थी अब मात्र 358 धाराएं होगी। तय सीमा के अंदर लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय सरल आसान होगा। तारीख पर तारीख की बात पुरानी होगी। बलात्कार मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। ये तीनों कानून से देश की न्याय प्रणाली में बदलाव आया है, उससे देशवासियों को समय न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद थी और हमारी सरकार का जो वायदे थे आज माननीय मोदी जी के प्रयास से 3 कानून लाए गए हैं जो अंग्रेज के ज़माने का था, जिसमें न्याय प्रक्रिया काफ़ी मतलब विलंब से लोगों को मिल पाती थी, सही समय न्याय नहीं मिल पाता था। कि माननीय मोदी जी के प्रयास से तीनों कानून में बदलाव जो लाए गए हैं वो त्वरित ऑनलाइन समय पर लोगों को न्याय मिले। बिहार में आपराधिक घटनाएँ पहले भी घटती थी, आज भी लगातार घटना घट रही है। अंतर यही है कि आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, आरएलडी की सरकार जो करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, अपराधियों को बचाने का काम करती थी। अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। समय सीमा के अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तो और नए कानून आ गए, 3 जो नए कानून आ गए हैं, आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद जितने पूर्ववर्ती सरकार रही, कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक सरकार रही, उन्हें ख्याल नहीं रहा गुलामी का जो प्रतीक जो कानून हमारा था उसको हटा करके कैसे न्याय दिलाने का काम किया, उस काम को माननीय मोदी जी ने किया है। तो अपराध आज चर्चा जो हो रही है, निश्चित तौर पर 3 नए कानून से अपराध पर लगाम लगेगा, जाकर के अपराधी को समय सज़ा मिलेगी,
और जो पहले की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आरएलडी के शासनकाल में जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद सरकार में जब थे तो अपराध बढ़ रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिहार को जंगल राज के नाम जाना जाता था और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे जाकर जी। आज स्थिति नहीं जाकर, आज बिहार लोग आ रहे हैं, अपराध की घटनाएं बिहार में जरूर घट रही है, उस पर सरकार लगातार समीक्षा भी कर रही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा में कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासन समय कार्रवाई कर रही है और वैसे अपराधियों को एसपीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने गृहवान में झाँक कर देखना चाहिए, जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है तब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, इस समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी जाकर, और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो आरएलडी हुआ करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम समय एसपीडी टाइल चला करके अपराधियों को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपने मंत्री प्रेम कुमार को सुना, उनका साफ साफ आरोप था कि राजद के शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को मुख्यमंत्री के आवास में संरक्षण मिलता था, लेकिन एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं कोई बचने का सवाल ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 नए कानून भी आ गए हैं, अब तो अपराधियों की खैर नहीं है, बिहार में पूरी तरीके से सुशासन बाबू की सरकार है और जनता को हर तरफ से सरकार के इकबाल को दिखाया जा रहा है, जनता इसको महसूस कर रही है और जनता एनडीए की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, तेजस्वी यादव के आरोप को लेकर या फिर जो मंत्री प्रेम कुमार बोल रहे हैं उनकी सफाई पर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।